तो आज हम पितृपक्ष मेला में नौमा दिन इस जगह पे आए हैं और जिस प्रकार से भीड़ जुट रही है, तो कुप है जिस कुप को आप देख रहे हैं, तो ये भूत कुआं कहलाता है। तो हम ले चलते हैं अब आपको यहाँ से बोधगया तरफ, वहाँ पे पिंडदान कहाँ पे होता है और आपको व्यू भी दिखाएंगे, रास्ता का भी नॉलेज देंगे कि किस प्रकार से आप बोधगया जा सकेंगे। प्रमुख रूप से जिनको भूत बाधा प्रेत बाधा होता है या किन्हीं का अकाल मृत्यु हो गया समय से पहले, इसके बाद अब आगे हम लोग कहाँ चलेंगे, तो हम अब बोधगया में पहुंच चुके हैं। फल्गु नदी का अद्भुत खूबसूरत सा आपको नजारा आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी मौजूदगी है विष्णुपथ मंदिर, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे विष्णुपथ मंदिर। पितृपक्ष मेला चल रहा है और पितृपक्ष मेला का आज नौवां दिन है। दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो डाला है पितृपक्ष मेला का, प्रेत शिला का, छह वर्ड का पूरी जानकारी दिया हूं और इस जगह का भी पूरी जानकारी देते हुए आपको मैं वीडियो डाल रहा हूं। आज नौवां दिन हम यहां पे पहुंचे हैं, तो आज हम दिखाएंगे कि नौवां दिन यहां पे क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं, क्या भीड़ है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, अभी विष्णुपथ में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये विष्णुपथ मंदिर में लोग भगवान विष्णु के चरण में लोग जा रहे हैं पिंडदान करने। देख पा रहे होंगे भगवान विष्णुपथ मंदिर है, ये विष्णुपथ वेदी, और यहाँ पे लोग जो हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सारे लोग जो हैं विष्णुपथ मंदिर के अंदर जा रहे हैं भगवान विष्णु के चरण में पिंडदान पिंड को अर्पण करने। तो देवघाट तरफ चलेंगे, घाटों की तरफ, फल्गु नदी के घाटों तरफ, और वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। आज नौवां दिन पितृपक्ष मेला का है और आज का दिन आज जो है फल्गु नदी का पूरा व्यू देने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों देवघाट पर पहुँच चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे बारिश भी हो रही है और फल्गु नदी की खूबसूरती भी काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि पानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे देवघाट पर हैं और लोगों की इस बारिश में भी जो है काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे पिंड जो है पिंड दान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम आपको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो दोस्तों ये फल्गु नदी का अद्भुत खूबसूरत सा आपको नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो बढ़ते पानी, बारिश का मौसम और ये खूबसूरत सा व्यू फल्गु नदी का और पितृपक्ष मेला का आज नौवां दिन पहुंचे हैं हम लोग घाट पर। तो आप देख पा रहे होंगे देवघाट पर है विष्णुपथ देवघाट और फल्गु नदी में पानी जो है बढ़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों जिस प्रकार से आपको पता है कि यहाँ पर पितृपक्ष मेला में भारी भीड़ होता है, तो आज हम पितृपक्ष मेला में नौवां दिन इस जगह पे आए हैं और जिस प्रकार से भीड़ जुट रही है उसी प्रकार से जो है आज भी देखने को मिल रहा है देवघाट पर। और यहाँ से लेकर हम डैम तक घूमे हैं, रबर डैम तक, तो वहाँ तक भी वही इन्वायरमेंट है, वही भीड़ है। तो हम ले चलते हैं अब आपको यहाँ से बोधगया तरफ, वहाँ पे पिंडदान कहाँ पे होता है और आपको व्यू भी दिखाएंगे, रास्ता का भी नॉलेज देंगे कि किस प्रकार से आप बोधगया जा सकेंगे विष्णुपथ से। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ले चलते हैं विष्णुपथ से बोधगया। तो हम लोग विष्णुपथ से अब निकल रहे हैं बोधगया तरफ। आप देख पा रहे होंगे पिंडदान यात्रियों का जो संख्या आ रही है वो विष्णुपथ मंदिर तरफ आ रही है, हम लोग विष्णुपथ की तरफ से ढल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और काफी भीड़ चल रहा है, काफी भीड़ चल रहा है, पितृपक्ष मेला का समय है, काफी भीड़ चल रहा है। इधर मंदिर तरफ घुमाइएगा थोड़ा भैया, मंदिर तरफ घुमाइए, मंदिर तरफ। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, अब आपको रास्ता की भी जानकारी देते हुए बोधगया तरफ हम चलेंगे, तो पूरे जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। इसी आगे जाने के बाद आपको राइट हो जाना है, तो राइट होते हैं और आपको हम दिखाते हैं। राइट यहां से हो जाएंगे और यहाँ से राइट होने के बाद कुछ दूर चलेंगे, तो आगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ दूर चलने के बाद मैंने बताया यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे हम लोग,
अब लेफ्ट चलेंगे कुछ दूर, उसके बाद जो है यहाँ पे आप ऑटो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद ऑटो आपको मिल जाएगी, ऑटो की सुविधाएँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलेंगे बाईपास, तो बाईपास के तरफ, बाईपास मोड़ के तरफ हम लोग बाएँ हो जाएंगे, सॉरी दाहिने हो जाएंगे, और दाहिने होने के बाद मतलब राइट हो जाएंगे, और राइट होने के बाद फिर हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे जो कि बोध की तरफ चलेंगे। तो आप बने रहिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं राइट होने के, राइट होते हैं तो इसी यहाँ पे विदर्भ में बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत ट्रैफिक होता है गया में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बोध गया। तो यहाँ से बाएं जिस प्रकार से गाड़ियाँ फोर व्हीलर जा रही है, ऐसे ही हम लोग को हो जाना है बाया, यही बाया हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सीधे चलना है, कहीं बाया बाया करना है बोध गया सीधे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से हम लोग को कम से कम 10 किलोमीटर यहाँ से चलना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पूरी दिखाएंगे कि यहाँ के बाद पितृपक्ष मेला में बोध गया में कहाँ पे पिंडदान होता है वो भी जानकारी देंगे, और आपको बोध गया तक पहुँचा भी देंगे कि यहाँ काफी लोग होते हैं जो कि बोध गया आते हैं घूमने के पर्पज से भी, गया विष्णुपथ आते हैं तो बोध गया जाने की सोचते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम करेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ से लगभग आप 9 से 10 किलोमीटर यहाँ से हम लोग को चलना है सीधे। आगे भी हम आपको बताएंगे, जहाँ मुड़ना होगा हम आपको जानकारी दे देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में। संबोधि द्वार, तो हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बाद अब आगे हम लोग कहाँ चलेंगे। तो हम अब बोध गया में पहुँच चुके हैं। अगर आप बोध गया आना चाहते हैं, घूमने के लिए बोध गया आते हैं, तो आप को हम यहाँ तक ले आए, यहाँ से भी आप निकल सकते हैं, ये भी रोड जो है जाती है, लेकिन आप सीधे जाएंगे तो संबोधि महाबोधि मंदिर तरफ जाते हैं। और तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको बाएं हो जाना है और फलू नदी का पुल क्रॉस करना है। आप देख पा रहे हो बस जी सर जा रही है, इधर ही हम लोग को अब चलना है। तो हम लोग बाएं हो जाएंगे और बाएं होने के बाद जो है हम लोग को पुल मिलेगा। अगर हम लोग सीधे जाते हैं तो महाबोधि टेम्पल तरफ चले जाते हैं, अगर बाएं हो गए तो हम लोग इधर चलेंगे जहाँ पे जो पिंडदान यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से हम लोग राइट हो जाएंगे। तो आपको जानकारी एक और बता दे, आप देख पा रहे होंगे ऊपर में बागेश्वर धाम वाले बाबा अध्ययन की शास्त्री जी का तस्वीर लगा हुआ है, तो वो भी गया आने आ रहे हैं अपने भक्तों के पूर्वजों को पिंडदान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे संबोधि होटल में। तो यहाँ पे छोटा सा जो है वाटर पार्क भी है बकरोड में, और इसी से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आपको वहां तक दिखा देते हैं कि जहाँ पर पिंडदान होता है बोध गया में, उसको हम उसी जगह पे आपको ले चल रहे हैं। बोध गया से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में जो है ये पिंडदान वेदी है दोस्तों। ये इस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे बोध गया में पिंडदान होता है, वहाँ पे हम लोग वेदी के पास पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि बोध गया से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है इस जगह, बकरोर के आगे पड़ता है ये जगह जहाँ पे पिंडदान होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध का भी जो है प्रतिमा है। तो क्या कारण है यहाँ, क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्या कारण है जो यहाँ पे वेदी है यहाँ पे पिंडदान? यहाँ गया श्राद्ध के अंतर्गत जो है यहाँ एक वेदी ये भी है, गया में जितनी भी वेदियाँ हैं उसके अंतर्गत एक ये वेदी है। और यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने
सवा लाख मन से हवन किया था। बगल में वो है यज्ञ कूप है, वहाँ पर उन्होंने किया था। अस्वस्थावा नरोहतो वा कुंजर हो, इसके प्रायश्चित स्वरूप। अस्वस्थामा नाम का हाथी था और अस्वस्थामा नाम का व्यक्ति भी था। तो अस्वस्थामा जब मारे गए तो घोषणा करनी थी कि अस्वस्थामा मारा गया, तो उन्हें कहा गया युधिष्ठिर जी को कि जाकर करके आप घोषणा कीजिए कि अस्वस्थामा मारा गया। वो बोले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर कहा गया कि आप इतना बोलिए कि अस्वस्थामा नरो हता, और वाह कुंजरो आप बोलेंगे, इसके पहले भीम कस के शंख बजाएंगे तो सुनाई नहीं देगा, आपको दोष नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने घोषणा किया तो बाद में पता चला कि अस्वस्थामा तो जिंदा है, वो जो मारा गया था वो हाथी था। तो उसके प्रायश्चित स्वरूप कृष्ण भगवान ने यहाँ पर सवा लाख मन से हवन करवाया है, तो इसके लिए एक जगह प्रसिद्ध है। और दूसरा जो ये जो कूप है, जिस कूप को आप देख रहे हैं, तो ये भूत कुआं कहलाता है। और यहाँ पर की मान्यता है कि पांडवों का अंतिम वंश जब उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जब परीक्षित पल रहे थे, तो अश्वस्थामा ने बाण मार दिया था समाप्त करने के लिए कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण जो है का सुदर्शन चक्र जो है उत्तरा के गर्भ में उनको परीक्षित को जिंदा करके रखा, लेकिन जैसे ही परीक्षित जीवित हुए तो अश्वस्थामा का जो है बाण उनको मूर्छित कर दिया। तब उत्तरा यहाँ आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कर की थी, तब से त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रचलन यहाँ हो गया। यहाँ प्रमुख रूप से जिनको भूत बाधा प्रेत बाधा होता है, या किन्हीं का अकाल मृत्यु हो गया समय से पहले वो लोग, या वंश बाधा है, या किसी भी तरह के शारीरिक बाधा हो या कोई भी बाधा है, तो उसके निराकरण के लिए यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, तीन कलश की पूजा होती है, तीन देवताओं की पूजा होती है, और पूरा नारियल की पूजा कर करके और यहाँ पर आकर करके पीछे उसको छोड़ देते हैं। इसी के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। तो ये कुंड है जिसके बारे में बता रहे थे बाबा, और ये जो कि प्राचीन जो है ये 5000 पुराना यहाँ का रहस्य है, 5000 साल पुराना रहस्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो जग कुंड तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो यहाँ का बहुत प्राचीन रहस्य जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 5000 साल पुराना ये कहाँ का कहानी जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ इसी वजह से यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है वेदी है, जिस प्रकार से बाबा ने बताया, पूरी जानकारी आपको दी है। तो बोधगया पिंड जो हम लोग वेदी है, बोधगया वेदी वहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। और ये एक और जो है कुंड है जिसका महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यही बोधगया है दोस्तों, बोधगया वेदी, जिसके बारे में बाबा ने बताया, विस्तार से बताया, पूरी जानकारी आपको दी है कि यहाँ पर क्या क्यों महत्वपूर्ण है वेदी ये। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप विष्णुपद से यहाँ तक आपको लेकर आए हैं, लंबा वीडियो हो जाए तो उसको पूरा देखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।